इन दिनों जम्मू कश्मीर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। घाटी से आए दिन कोई ना कोई हिंसा की खबरें हमारे सामने आती रहती है। हमारे सुरक्षा बलों के लाख प्रयासों के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की हत्या से अभी कश्मीर उबरा ही नहीं था कि आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के कुलवामा में एक हिंदू महिला टीचर की हत्या कर दी गई। तो आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाए आतंकवादियों ने एक महिला हिंदू टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला टीचर का नाम रजनी बाला है, वह सामा की रहने वाली थी। आपको बता दें कि यह घटना कुलगांव के गोपालपोरा की है। यहां गोपालपोरा हाई स्कूल की टीचर रजनी पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं इस दर्दनाक घटना पर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, बहुत दुख की बात है, ये निहत्थे नागरिकों की टारगेट किलिंग की लिस्ट में जुड़ा एक और हमला है। जब तक सरकार हालात सामान्य होने का आश्वासन नहीं देती, तब तक निंदा और शोक जैसे शब्द खोखले हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में ही जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में महज 3 महीनों के भीतर आतंकवादियों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। 2 मार्च 2022 को आतंकवादियों ने कुलगांव के संदू में पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या की। 9 मई शोपियां में आतंकवादियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत के साथ ही एक जवान समेत 2 घायल हुए। 12 मई को पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 मई को राहुल भट्ट की हत्या। 17 मई को बारामूला में आतंकवादियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका, जिससे इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग जख्मी हो गए। 24 मई को आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हमले में 7 साल की बच्ची जख्मी हुई थी। 25 मई को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट आमिरा भट्ट की गोली मारकर हत्या और अब टीचर रजनी बाला की हत्या। फिलहाल सरकार और सुरक्षा कर्मियों के लाख प्रयासों के बावजूद भी घाटी में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आतंकवादी आए दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अमन चैन से रह रहे घाटी को आतंकवादी लहूलुहान करने में तुले हैं। इसको लेकर हमारी सेना कई तरह के सर्च ऑपरेशन भी चला रही है, लेकिन अब वहाँ मौजूद बल प्रशासन को इन आतंकी हमलों पर लगाम कसने की सख्त जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।